एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट लेस होते हैं, यानी उसमें डक्ट नहीं होती, नाली नहीं होती, बल्कि वो डायरेक्टली अपनी सेक्रीशंस किधर, सेक्रीशंस जो बनाते हैं अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड जो अपनी सेक्रीशंस बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हार्मोन, वो डायरेक्टली ब्लड में भेज देते हैं, इसलिए डक्ट लेस ग्लैंड होते हैं ये, राइट। एंडो का मतलब अंदर की तरफ, राइट। तो अब देखें पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे है? अब देखें पैंक्रिया ग्लैंड क्या होता है, जो कि सेक्रीशंस प्रोड्यूस करे। और अब अंदर की तरफ मतलब ब्लड में, देखिए पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए है, फॉर एग्जांपल पैंक्रियाज जो ग्लैंड है ना, पैंक्रियाज ग्लैंड, यहां पे ये देखिए ये सेल्स हैं, यहां पे बीटा सेल्स होते हैं, क्लियर, जो कि क्या बनाते हैं इंसुलिन, और ये इंसुलिन बनाई इसने, पैंक्रियाज ने क्या बनाई, इंसुलिन हार्मोन, ये कौन सा बनाया, हार्मोन इंसुलिन। अच्छा एक चीज याद रखनी है आपने, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, हार्मोन्स, उन केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड है जो कि अपनी सेक्रीशंस को बनाएंगे और नाली के थ्रू नहीं बाहर भेजेंगे, बल्कि डायरेक्टली इसे ब्लड स्ट्रीम में भेज देंगे, किसमें, ये ब्लड की नदी में, स्ट्रीम कहते हैं नदी को, ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी सेक्रीशन बनाता है और ये देखिए डायरेक्टली इनटू द ब्लड में भेज देता है, क्लियर। जैसा कि आप देखें इंसुलिन कहां से बनती है, ये पैंक्रियास के लबलबे के बीटा सेल से बनी और कहां पे रिलीज होगी, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर, क्लियर, ये देख रहे हैं आप ये इंसुलिन। तो ठीक इसी तरह से पैंक्रियाज एक और हार्मोन बनाता है जिसका नाम ग्लूकागन है, वो भी देखें इधर से डायरेक्टली किधर रिलीज करता है, ब्लड के अंदर।